Welcome back to the basics of magnetic circuits. This is the fourth module. इस मॉड्यूल में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे फॉर मैग्नेटिक सर्किट्स बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड टिल नाउ. सो बिफोर वी स्टार्ट लेट अस क्विकली रिव्यू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ. पिछले मॉड्यूल में हमने देखा कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को उसके इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है. इससे फायदा यह होता है कि हम रिलेशनशिप्स को इजीली एक्सप्रेस कर लेते हैं और क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस अच्छे से आता है तो अकॉर्डिंगली वी कैन सॉल्व अ मैग्नेटिक सर्किट. सो दिस इज द बेसिक मैग्नेटिक सर्किट विच हैज वन सोर्स एंड वन मीडियम इन विच द फ्लक्स इज एस्टेब्लिश्ड. सो इट्स इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लुक्स लाइक दिस. सेकेंड टाइप हमने देखा था जहां पर एक MMF का सोर्स है लेकिन दो मीडियम है आयरन और एयर गैप. तो नेचुरली यहां पर दो अलग अलग रिलक्टेंसेस हमें दिखाई देते हैं. दिस वॉज द थर्ड टाइप जहां पर मीडियम तो एक ही था लेकिन MMFs मल्टीपल थे. तो यहां पर हमने देखा कि कैसे हम राइट हैंड रूल को यूज करके इन MMFs को प्रॉपरली प्लेस करते हैं फॉर इन द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट. एंड फाइनली वी सॉ कि कैसे मैग्नेटिक सर्किट्स में भी फ्लक्स कैन गेट डाइवर्टेड इनटू मल्टीपल पाथ्स और इस तरह से हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस मिलते हैं मैग्नेटिक सर्किट्स के. उससे भी पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स पढ़े. द फर्स्ट रिलेशनशिप वी स्टडीड इज बी इज इक्वल टू म्यू एच वेयर बी इज कॉल्ड फ्लक्स डेंसिटी दैट इज फाई बाई ए इट इज मेजर्ड इन टेस्ला. एच को हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहते हैं दैट इज MMF बाई लेंथ ऑफ द पाथ फॉलोड बाई द फ्लक्स. म्यू इज द परमिबिलिटी ऑफ द मीडियम. परमिबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस इज गिवन बाई म्यू नॉट. और हमने पढ़ा कि जो फ्लक्स अपोजिशन फेस करता है दैट इज कॉल्ड रिलक्टेंस एंड इट इज गिवन बाय एल बाय म्यू ए वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द पाथ इन दैट मीडियम एंड एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ऑफ दैट मीडियम. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द रिलेशनशिप बिटवीन MMF रिलक्टेंस एंड फ्लक्स इज सिमिलर टू द रिलेशनशिप वी इज इक्वल टू आई आर दैट वी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स. सो MMF इज इक्वल टू रिलक्टेंस मल्टीप्लाइड विद द फ्लक्स. सो इन दिस मॉड्यूल we will see some sample problems related to magnetic circuits and to solve these problems we are going to follow some steps. So the first step will be to draw the magnetic circuit with all the given values. This will involve the geometry of the circuit. Uske baad hum us magnetic circuit ka ek equivalent electric circuit draw karenge. Thereafter उस इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी इंडिविजुअल पैरामीटर्स हैं जिनको कैलकुलेट करना पॉसिबल है उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे. दे मे बी MMF फ्लक्स रिलक्टेंस एटसेट्रा. फाइनली हम उस इलेक्ट्रिक सर्किट को रिड्यूस करेंगे सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द डिजायर्ड क्वांटिटी. सो लेट अस स्टार्ट लेट अस टेक अ प्रॉब्लम. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट. एन आयरन रिंग ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया of 3 cm square and mean diameter of 20 cm is wound with 500 turns of wire and carries a current of 2.09 amperes to produce the magnetic flux of 0.5 milliweber in the ring. Determine the permeability of the material. To sabse pehle yahan par given parameters ke hisab se let us draw the magnetic circuit. So I have shown this iron ring. सबसे पहले इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया. सो इट इज गिवन कि ये सर्कुलर है और एरिया की वैल्यू दी गई है 3 cm square. सो दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 3 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर. सेकेंड उसका मीन डायमीटर दिया हुआ है एज 20 cm. तो ये जो डॉटेड रेड लाइन है दैट शोज द मीन पाथ विच विल बी फॉलोड बाय द फ्लक्स. और हम इसकी लेंथ निकाल सकते हैं एज the circumference of this dotted circle that is given by pi times the diameter and it comes out to be 0.628 meters. Also, for the generation of MMF, it is given that the number of turns is 500 and the current flowing in the winding is 2.09 amperes. So, this information is now included here. ये भी दिया गया है कि जो magnetic flux बन रहा है, that is 0.5 milliwebers.
So I have marked flux as 5 into 10 to the power of minus 4 Webers. Now, in this condition, we are required to calculate the permeability of the material of which this ring is made of. So now I have shown all the information here. So we go to our next step, that is to draw the equivalent electric circuit of this given magnetic circuit. So this will be the equivalent electric circuit. We have one source of MMF, we have one medium, so there will be only one reluctance, and the flux phi will flow through this reluctance. Now we need to calculate all the possible parameters. So first of all, I am going to calculate the MMF, that is N times I. So N is known here, I is also known here. So we get it to be 1045 ampere turns. Flux here is already given, that is 5 into 10 to the power of minus 4 Webers. Now this reluctance can be calculated as L by mu A. So this mean length we had already calculated to be 0.628 meters. Mu I of course has to be calculated. Area is known here as 3 into 10 to the power of minus 4 meters square. So we get the reluctance as 2093.3 divided by mu I. Now, let us reduce the network to calculate the desired quantity. This network is already in its simplest form. So the relationship we have here is MMF is equal to reluctance multiplied with the flux. So we put all the known values here, and from here we can calculate mu I as 0.001015 Henry per meter. Now this value seems to be very less. तो इसको फिजिकली इंटरप्रेट करने के लिए हम इसकी रिलेटिव वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, दैट इज रिलेटिव परमेबिलिटी, विच इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी टू द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि इस मटेरियल की रिलेटिव परमेबिलिटी कम्स आउट टू बी अराउंड 797। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मटेरियल की वो रिंग बनी है उसकी परमेबिलिटी फ्री स्पेस के कंपेरिजन में 797 टाइम्स। लेट अस सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। So here the problem statement is like this. An iron ring of 8 cm mean diameter has circular cross section with diameter 1 cm and permeability of 900 and has an air gap of 2 mm wide. It consists of winding with 400 turns carrying a current of 3.5 amperes. So we need to determine the MMF, total reluctance, flux and flux density. So first of all, let us draw the magnetic circuit with all the given values. Here I have drawn the core. It has this iron material and an air gap. This main path is shown with a red dotted line, and here it is given that the diameter of this main path is 8 cm. So we can calculate this total length as circumference of that dotted circle, and it comes out to be 0.2512 meters. Now, the length of the air gap is given as 2 millimeters. As compared to the overall length, this length is very less. So what we can do here is, we can calculate the length of this iron path as L minus LG. So the length of the iron path comes out to be 0.2492 meters. Now, the cross section of this ring is given to be a circle, और हमें उस circle का diameter भी दिया गया है, that is 1 cm. तो हम cross sectional area calculate कर सकते हैं as pi d square by 4, and it comes out to be 0.785 into 10 to the power of minus 4 meter square. The relative permeability is given as 900. So we can calculate the absolute permeability as the product of mu naught and mu r. And finally, the source of MMF is given here. Number of turns is 400 and the current is 3.5 amperes. This flux is needed to be calculated along with the flux density.
So I have shown all the information here. Now we need to draw the equivalent electric circuit of this given magnetic circuit. Here we see that there is one source of MMF and there are two medium. One is the iron and the another is air. So here is the equivalent electric circuit, and I have shown the reluctances to be Si as the reluctance of the iron path and Sg as the reluctance of the air gap. यहाँ पर जो flux है वो दोनों के बीच में common है, the same flux goes through iron as well as the air gap. इसका मतलब यह है कि Si और Sg both of them are in series. So this is the equivalent electric circuit here. इस सारे information से we can calculate some essential parameters जो कि मैं यहाँ पर calculate कर रहा हूँ. First is MMF. So MMF is given by number of turns into current. Both the quantities are known here and it comes out to be 1400 amperes. Second, हमसे पूछा गया total reluctance. तो क्योंकि ये एक series circuit है, total reluctance will be the sum of Si and Sg. But we need to calculate Si and Sg first. तो iron path का जो reluctance है, that will be the length of the covered by the iron path, its permeability and the cross sectional area A. ये सारी values known है यहाँ पर, and this reluctance comes out to be 2.808 into 10 to the power of 6 ampere turns per Weber. Similarly, हम air gap का भी reluctance calculate कर सकते हैं. यहाँ पर permeability will be taken equal to mu naught. Length of the air gap हमें मालूम है, that is 2 millimeters. And cross-sectional area A, हम same लेंगे because we are neglecting fringing here. So this value comes out to be 20.284 into 10 to the power of 6 ampere turns per Weber. तो हम यहाँ पर अगर reluctances को देखें, तो हम ये देख रहे हैं कि air gap की although length बहुत कम है, लेकिन opposition की value बहुत ज़्यादा है, almost 10 times ज़्यादा है as compared to the iron path. This is because the permeability of air is very less. So the total reluctance is obtained by adding these two values and it comes out to be 23 into 10 to the power of 6 ampere turns per Weber. Now the next thing asked here is to calculate the flux. So is equivalent circuit mein we have this relationship F is equal to S times phi, where S is the total reluctance faced by the flux. Yahan par hume MMF aur total reluctance dono pata hai, so we can calculate the flux here and it comes out to be 0.0606 milliwebers. Finally, we are asked to calculate the flux density in the ring. हमें मालूम है कि flux density is given by the flux divided by the cross sectional area that it faces. तो यहाँ पर हमें flux की value already हमने calculate कर ली है and cross sectional area is known. So the flux density comes out to be 0.772 Tesla. Now taking up the last question for today, a cast steel structure is made of a rod of cross section 2.5 cm by 2.5 cm as shown in the figure below. What is the current that should be passed in a 500 turn coil on the left limb so that a flux of 2.5 milliweber is made to pass in the right limb? Assume permeability as 750 and neglect leakage. So ye iska ek geometrical interpretation here already diya gaya hai. Yahan par ye jo mean lengths hai P1 P3, P2 and P1, it is given to be 40 cm. P4, P5, P6 and P1, that is also 40 cm. Aur ye jo P1, P4 length hai, that is given to be 25 cm. To yahan par hum baki ki values ko include karte hain. Sabse pehle, jo cross sectional hai iska, wo ek square diya gaya hai. Dono sides ki value 2.5 cm aur 2.5 cm hai. So we know this area to be 2.5 by 2.5 into 10 to the power of minus 4 meter square. Next, the relative permeability is given to be 750. So we can calculate the absolute permeability of this material as 750 into mu naught Henry per meter. This information ko use karke, let us draw the equivalent electric circuit. So yahan par hamare paas ek medium hai. एक सोर्स है MMF का, उसके कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो डिवाइड हो रहा है इन दो लिम्ब्स के बीच में. तो फ्लक्स को जो रिलक्टेंस फेस करना पड़ रहा है वो एक इस पाथ में फेस करना पड़ रहा है P1, P2, P3, P4.
दूसरा रिलक्टेंस उसको फेस करना पड़ रहा है बिटवीन P4 एंड P1, और तीसरा रिलक्टेंस उसको फेस करना पड़ रहा है बिटवीन P4, P5, P6 एंड P1. सो दिस इक्विवेलेंट सर्किट विल बी लुक इट विल लुक लाइक दिस. वन सोर्स ऑफ MMF एंड थ्री रिलक्टेंसेस. एक फ्लक्स 2.5 मिली वेबर इज ऑलरेडी नोन, सो आई हैव मार्क्ड इट हियर. तो ये पहला रिलक्टेंस है जो पाथ P1, P2, P3, P4 के कारण है. आई एम कॉलिंग इट S1. ये दूसरा रिलक्टेंस है जो पाथ P4, P1 के कारण है. आई एम कॉलिंग इट S2. और ये थर्ड रिलक्टेंस है जो कि इस पाथ P4, P5, P6, P1 के कारण है. आई एम कॉलिंग इट S3. तो ये जो फ्लक्स है दैट इज फ्लोइंग थ्रू S3, दिस इज अ नोन फ्लक्स. नाउ हियर द करंट I इज टू बी कैलकुलेटेड. सो दिस इज ऑल वी नो अबाउट दिस सर्किट. नाउ लेट अस कैलकुलेट दीज रिलक्टेंसेस. So first S1 will be given by L1 by mu I A. ये L1 जो है that is known here to be 40 centimeters. तो हमने यहाँ पर पहले S1 calculate किया. इसी तरह से we can calculate S2. Mu I and A will remain same. L2 की value is known to be 25 centimeters. So we have calculated here S2 also. Finally S3. यहाँ पर mu I और A same रहेगा. L3 again is same equal to 40 सेंटीमीटर्स. तो हमने S3 कैलकुलेट कर दिया. तो यहां पर S3 और S1 आर इक्वल. सो नाउ हियर वी नो द फ्लक्स, वी नो द वैल्यूज ऑफ द रिलक्टेंसेस एंड वी नो द नंबर ऑफ टर्न्स टू बी 500. वी नीड टू कैलकुलेट दिस करंट I सच दैट दिस फ्लक्स इज 2.5 मिली वेबर्स. अब मैं यहां पर एज्यूम कर रहा हूं कि जो रिलक्टेंस S1 है उससे जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है दैट इज 5-1. जो रिलक्टेंस S2 है उसके फ्लक्स को मैंने 5-2 एज्यूम कर लिया. सो वी कैन सी फ्रॉम हियर दैट दिस 5-1 इज इक्वल टू 5-2 प्लस 5. नाउ वी सी दैट S2 एंड S3 द टू रिलक्टेंसेस आर इन पैरेलल. तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि S2 मल्टीप्लाइड विद 5-2 विल बी इक्वल टू S3 मल्टीप्लाइड विद 5. तो यहां पर वी ऑलरेडी नो S3, 5 एंड S2, सो वी कैन कैलकुलेट 5-2 एंड इट कम्स आउट टू बी 4 मिली वेबर्स. और जब हमें 5-2 मालूम चल जाएगा तो इक्वेशन 1 को यूज करके वी कैन कैलकुलेट 5-1 एंड इट कम्स आउट टू बी 6.5 मिली वेबर्स. तो यहां जो सोर्स से जो फ्लक्स निकल रहा है दैट इज 5-1. नाउ अगर हम इस सर्किट को रिड्यूस करें तो हम ये देखते हैं कि यहां पर S2 और S3 पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस जो होगा दैट विल बी S2 S3 बाय S2 प्लस S3. और हम ये भी देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के साथ S1 सीरीज में है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो विल गेट S1 प्लस S2 S3 बाय S2 प्लस S3. इसको हम टोटल रिलक्टेंस S कह रहे हैं. और इस टोटल रिलक्टेंस से जो फ्लक्स फ्लो हो रहा है दैट इज 5-1 जो कि इस MMF जो सोर्स है वहां से निकल रहा है. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस टोटल रिलक्टेंस एज वी नो द वैल्यूज ऑफ S1, S2, S3 एंड इट कम्स आउट टू बी 9.407 into 10 to the power of 5 एम्पियर टर्न्स पर वेबर. तो ये सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म है इस गिवन नेटवर्क का, जहां पर हमें 5-1 मालूम है, हमें S पता है and we can calculate F as the product of 5-1 and S. So this can be calculated as 6114.55 ampere turns. So finally hum apne answer tak yahan se pahunch rahe hain. Because this MMF is given by I into N, N was given here, so I will come out to be 12.23 amperes. This न्यूमेरिकल का जो फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि अगर हमें इस राइट मोस्ट लिम में फ्लक्स प्रोड्यूस करना है ऑफ 2.5 मिली वेबर्स, हमें मटेरियल पता है, हमें नंबर ऑफ टर्न्स पता है, तो उसके लिए जो करंट चाहिए होगा दैट विल बी 12.23 एम्पियर्स. सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्नड टुडे. हमने देखा कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को उसके इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक सर्किट में हम रिड्यूस कर दें और उसकी हेल्प से वी कैन सॉल्व वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैग्नेटिक सर्किट्स. दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट वी नीड टू फॉलो
for a systematic solution of a magnetic circuit.